आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड में है, जिसको लेकर पुलिस लगातार शहर में लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं आज मिशन सुरक्षा के तहत सजौर थाना ने एक व्यक्ति को एक पिस्टल, एक कट्टा, 7 कारतूस एवं विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि भागलपुर पुलिस को सूचना मिली कि सजौर थाना के ग्राम फुलवरिया में एक व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार करता है तथा हथियार भी रखता है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। टीम ने छापेमारी करते हुए देशी पिस्टल, देशी कट्टा, कारतूस एवं विदेशी शराब के साथ भवेश कुमार सिंह को विधिवत गिरफ्तार किया। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था ने दी। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में हम सभी जो है आगामी लोकसभा चुनाव के तैयारियों में जुटे हुए हैं और चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में कराया जाए इसके लिए हम लोग लगातार रेड और छापामारी कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है दिनांक 12/4/2024 को भागलपुर पुलिस के को सूचना मिली कि सजौर थाना के फुलवरिया में एक व्यक्ति जो है अवैध शराब का कारोबार करता है और साथ में हथियार भी रखता है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। टीम ने छापामारी करते हुए देसी पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस एवं विदेशी शराब के साथ भवेश कुमार सिंह को विधिवत गिरफ्तार किया। बरामदगी में है एक देसी पिस्टल है, देसी कट्टा एक है, कारतूस 7 है, विदेशी शराब है जो कि 4.875 लीटर है। भागलपुर के विभिन्न घाटों पर 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व 12 अप्रैल से नहाए खाए के साथ शुरू हुआ। 13 को खरना, 14 को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य व 15 अप्रैल को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और पारण के साथ छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। पंडित प्रहलाद झा ने बताया कि छठ महापर्व में नहाए खाए व खरना का व्रत का विशेष महत्व है। शुक्रवार को नहाए खाए का अनुष्ठान है। पंडित सोनू झा ने बताया कि सनातन धर्म में चैती छठ का विशेष महत्व है। साल में 2 बार छठ का पर्व मनाया जाता है, पहला चैत्र मास में और दूसरे कार्तिक मास में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाने का अधिक महत्व है। आज के दिन विभिन्न गंगा घाटों में व्रती महिलाएं स्नान कर व्रत का प्रारंभ किया। भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट, पोल घाट, खिरनी घाट, मुसहरी काली घाट एवं बुढ़ानाथ घाटों पर वोट के द्वारा भ्रमण कर निगरानी किया जा रहा था। चैती छठ के उपलक्ष्य पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्य हेतु विभिन्न छठ घाटों SDRF की टीम एवं गोताखोर आपदा मित्र की प्रतिनियुक्ति की गई थी। मेरी बेटी को 7 महीनों में लड़का हो गया, शीशों में दिया, कष्ट से मांगे थे तो उसी खराब न तेरे से कर रहे न। क्या था आज? कद्दू भात। क्या दिन का पर्व होता है ये? होता है 4 दिन का, लेकिन 3 दिन तो एकदम रहना पड़ता है खरा कमा। मतलब कितने दिन से कर रहे हैं आप? हम तो 10 साल से कर रहे हैं दीनानाथ का पर्व। हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं? यही सब बाल बच्चा अच्छा रहे, काया समांग अच्छा रहे, मांग अच्छी थी, माँ जो है फिर हमको दे दी। एक तरफ जहां हर राजनीतिक दल जीत का दावा करता दिख रहा है और अपनी नई रणनीति बनाते दिख रहा है, वहीं आज भागलपुर से जदयू के प्रत्याशी अजय मंडल के लिए 4 लाख से अधिक वोट से जीत सुनिश्चित होने की बात भी सामने आ रही है। भागलपुर पहुंचे जदयू के प्रदेश महासचिव सह भागलपुर लोकसभा के प्रभारी प्रहलाद सरकार ने भागलपुर सीट से जदयू प्रत्याशी अजय मंडल को 4 लाख वोट से जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भागलपुर लोकसभा सीट पर अजय मंडल का किसी से मुकाबला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को देखते हुए एक बार फिर से भागलपुर की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। कोई मुकाबला नहीं है सर, मुकाबला का प्रश्न ही नहीं उठता है। अजय मंडल जी हमारे जो NDA के प्रत्याशी हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी, चिराग पासवान जी के प्रत्याशी, उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रत्याशी और जीतन राम मांझी जी के प्रत्याशी। आप खुद सोच सकते हैं इन नेताओं का कद कितना बड़ा है और समाज में कितनी पकड़ है
जिस प्रकार से काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए किया है और पूरे बिहार के लिए जिस प्रकार से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है और तमाम जो हमारे घटक दल जो साथ चल रहे हैं, इससे स्पष्ट है जो हम लोग सिर्फ 26 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तो काउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं। और ये पूरा विश्वास है भागलपुर की जनता को कि पुनः लोकसभा के प्राचीर से हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर जो है झंडा फहराएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज गौशाला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अभिजीत गुप्ता के आवास पर भागलपुर नगर निगम के पार्षद, पूर्व पार्षद, पार्षद प्रतिनिधि सहित शहर के गणमान्य लोग के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का नेतृत्व अभिजीत गुप्ता के द्वारा किया गया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को मदद करना है, क्योंकि यहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी वर्तमान नगर विधायक अजीत शर्मा है, वहीं एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल हैं। अभिजीत गुप्ता ने कहा कि यहां पर न ही अजय मंडल के द्वारा विकास किया गया और न ही नगर विधायक अजीत शर्मा के द्वारा, इसलिए हम लोगों के पास एकमात्र विकल्प नोटा ही है। आगे उन्होंने कहा कि अभी बैठक में यह निर्णय नहीं लिया गया है कि किस पार्टी को मदद करना है, इसका भी निर्णय जल्द ही हम लोगों के द्वारा ले लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि यदि यही रवैया यहां के उम्मीदवार का रहा तो हम लोगों के पास एकमात्र विकल्प नेता नहीं तो नोटा है। आज के इस बैठक में नगर निगम के पार्षद संजय सिन्हा, पार्षद प्रतिनिधि दीपक साह, पंकज कुमार, उमर चांद, धीरज सहित कई लोग मौजूद थे। आज का बैठक था कि लोकसभा का जो चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिताकर भेजें जो भागलपुर की आवाज़ लोकसभा में जाके गूंजे और हम लोगों की समस्या का निष्पादन हो और हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों को एक मजबूत जनप्रतिनिधि के रूप में बनाकर भेजें, यही उद्देश्य था आज के बैठक का। लेकिन लोकसभा से कौन उम्मीदवार बन के जाएगा यह चिंता की विषय है। हम लोग चिंतित हैं कि उम्मीदवार आज तक हम लोगों से संपर्क स्थापित नहीं किया और जो भी संपर्क स्थापित करने का काम करता है वह जनप्रतिनिधि डायरेक्ट नहीं, भाया मीडिया से, जबकि हम लोग चाहते हैं कि वैसा प्रतिनिधि के बीच सारे पार्षद बैठे, अपनी बात को रखे। अगर वो बात नहीं सुनेंगे हम लोगों का तो हम लोगों के पास एक दूसरा ऑप्शन है जिसका नाम है नोटा। वह नोटा में हम लोग वोट करने के लिए आह्वान करेंगे अपने अपने वार्ड के जनता को। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया गया। जिले भर में ईद उल फित्र को शांतिपूर्ण और सौहार्द के वातावरण के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने ईदगाह में नमाज अदा करके अल्लाह ताला से बरकत और अमन चैन की दुआ मांगी। वही आज ईद के दूसरे दिन भी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के बाद सबों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी। वही ईद के मौके पर लोगों से मिलने और शुभकामनाएं देने कांग्रेस नेता अजीत शर्मा भी पहुंचे हुए थे। भागलपुर जिले में अब ऑनलाइन चालान की सुविधा कर दी गई है। लगभग सभी चेक पोस्ट पर डिजिटल मशीन से भी चालान काटा जा रहा है। ऐसे में पुलिस के अतरंगी कारनामे भी सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला जिले के नवगछिया के कदवा चेक पोस्ट का देखने को मिला है, जहां एक बाइक सवार युवक का हेलमेट के लिए 1,00,000 रुपये का चालान काट दिया गया है। जब इसको लेकर पीड़ित युवक रजाबुल से बात की गई तो उसने बताया कि मैं आवश्यक कार्य से नवगछिया जा रहा था, तभी कदवा चेक पोस्ट के समीप वाहन की चेकिंग चल रही थी, इसी दौरान उन्होंने बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने का चालान काट दिया, जिसका उचित जुर्माना 1,000 रुपया बनता है, लेकिन मेरा 1,00,000 का चालान काट दिया गया। जब इसको लेकर ट्रैफिक के एक अधिकारी से बात करने पर पता चला कि मशीन में पहले से ही जुर्माना उसमें रहता है, सबसे पहले 1,00,000 का ही कॉलम है, अगर गलती से उस पर दबा गया तो वह चालान उतना का ही चला जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर ऐसी गलती हो जाती है तो प्रशासन सुधार करेगी, अगर वह सुधार नहीं करती है तो काटने वाले को जेब से जुर्माना भरना होगा। क्या हुआ था? सर, हम जा रहे थे इमरजेंसी में नोगछिया, उसके बाद हेलमेट नहीं था, ये चालान के लिए पेपर मंगाए, पेपर घर पे भूल गए थे, पेपर जो है मंगाए तो एक पेज देख लिया, उसके बाद फिर भी बोला कि चालान काट दो, ठीक है, उसके बाद दूसरा तीसरा पेज ये देखा ही नहीं मैडम, वो चालान कर दिया 1,00,000 का। 1,00,000 का जी? 1,00,000 का चालान कर दिया। ये हेलमेट नहीं था, हेलमेट नहीं, पेपर घर पे भूल गया था, इंश्योरेंस नहीं था गाड़ी का साथ में,
ठीक है, लाइसेंस नहीं था ड्राइवर। एक लाख रुपये चलान जी, 1 लाख का चलान कट दिया।